हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग राउंड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो है सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट। बेसिकली क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछा जाता है कि हमारे पास एक ग्रिड है, उस ग्रिड में बेसिकली हमें एन नंबर ऑफ बॉक्सेस को शो करना है और यूज़र शुड बी एबल टू क्लिक ऑन द बॉक्स, और क्लिक करने के बाद वो बॉक्स सेलेक्ट हो जाए। जब भी यूज़र सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट कर ले, उसी ऑर्डर में वो बॉक्सेस डीसेलेक्ट भी होने चाहिए। तो लेट्स से अगर मैंने वन को क्लिक किया, फिर मैंने ये किया, तो मैं इस तरीके से कुछ शो करना चाहता हूँ। मैं किसी भी ऑर्डर पे इन बॉक्स पे क्लिक कर सकता हूँ, और क्लिक करने के बाद जब मैं लास्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो इनका डीसेलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, और ये डीसेलेक्शन उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में मैंने इनको सेलेक्ट किया है। तो लेट्स से इफ़ आई क्लिक हेयर, तो अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अब ये इसी ऑर्डर में डीसेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखेंगे, समझेंगे क्या अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं इसके लिए, और हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेता हूँ, और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मुझे एक और फोल्डर चाहिए जो है बॉक्सेस। इस बेसिकली इस बॉक्सेस फोल्डर के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सारे बॉक्सेस को कंटेन करने के लिए। तो लेट्स डू दैट। मैं फोल्डर नहीं, मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है, तो लेट्स से बॉक्सेस डॉट जे एस। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा कंपोनेंट बना लेता हूँ रिएक्ट का, और हम इसको पहले इंपोर्ट करके देख लेते हैं अपनी मेन फाइल में, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली ये वर्क कर रहा होगा, बट हम फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, मुझे ये इधर इंपोर्ट करना है, और आई थिंक आई शुड बी एबल टू सी बॉक्सेस। ओके, विच इज़ फाइन, तो हमारा ये सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये एक कंटेनर बना रहा है और इसके अंदर हमें एक एक करके बॉक्सेस को बेसिकली बॉक्सेस को प्लेस करना है। अब बॉक्सेस को प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो हमारा लॉजिक होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। लेट मी सेलेक्ट जावास्क्रिप्ट हेयर। तो हमारा जो लॉजिक होगा, हम एक वैल्यू लेंगे बेसिकली, जहाँ जो हमारा एन नंबर एन स्टोर करने वाला है। सो लेट्स से एन इज एन कैन बी 10, इट कैन बी 20, राइट, इट कैन बी यू नो एनीथिंग। सो इट्स अ वेरिएबल, जितने बॉक्सेस हमें बनाने के लिए बोला जाएगा हम एन की वैल्यू उतनी कर देंगे, और उसके बेसिस पे ये बॉक्सेस ड्रॉ हो जाएंगे, राइट। तो एक तो चीज़ हमारा ये होगा, दूसरी चीज़ ये है कि हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे रिएक्ट में जिसका नाम हम बॉक्स रखेंगे, और इस कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इस कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होगी कि हमें एक बॉक्स का यूआई शो करे। तो यूआई ऑफ द बॉक्स हम इससे ये एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम कोई भी स्टेट अगर हम बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो उस क्लिक फंक्शनैलिटी को हैंडल करे। तो हैंडल क्लिक ऑन द बॉक्स हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, और बेसिकली व्हाट वी वांट कि हम पेरेंट कंपोनेंट से, जो कि हमारा बॉक्सेस है इस केस में, उस कंपोनेंट से कोई भी स्टेट पास कर सकें इस बॉक्स कंपोनेंट पे, विच कैन जस्ट चेंज द यूआई, राइट। तो चेंज यूआई बेस्ड ऑन लाइक प्रॉप्स, है ना। ये हम तीन चीज़ें इससे एक्सपेक्ट करते हैं, और भी हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे और समझ लेंगे, बट बॉक्स कंपोनेंट हमारा ये करने वाला है। जो हमने अभी बॉक्सेस कंपोनेंट बनाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है, हैंडल स्टेट फॉर ऑल द बॉक्सेस, राइट। जितने भी बॉक्सेस हम यूआई पे शो करने वाले हैं, ये कंपोनेंट एज अ पेरेंट हम ट्रीट करेंगे। तो क्योंकि ये पेरेंट है तो इसके पास हम ग्लोबल स्टेट रखेंगे, सॉर्ट ऑफ बेसिकली अ पेरेंट स्टेट, जिसके अंदर हम सारी स्टेट्स को मैनेज कर रहे हैं हम सारे बॉक्सेस के लिए, राइट। तो इसके अंदर हम यहाँ पर वो स्टोर करने वाले हैं, और बेसिकली चेंज इन स्टेट, जो भी चेंजेस हम स्टेट में करना चाहते हैं हम इंडिविजुअल बॉक्स लेवल पे नहीं करेंगे, हम उसके पेरेंट में चेंजेस करेंगे, और पेरेंट वो स्टेट पास करेगा एज अ प्रॉप इन ऑल द बॉक्सेस। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग करने वाले हैं, राइट। अब जो मेन क्रक्स है इस पूरी प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम बेसिकली नैरो डाउन होती है इन अ क्वेश्चन विच इज़ हाउ टू रन अ लूप विदाउट यूजिंग एनी लूप फंक्शन, राइट, यूजिंग एनी काइंड ऑफ लूप। ये इसका मेन क्वेश्चन है। आप
फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप यूज़ कर सकते हो, राइट? बट क्या हम कुछ इस तरीके से लूप को रन कर सकते हैं जिससे लूप भी रन हो बट इसमें से हम कोई वाइल या फॉर ये सब हम ना करें, ठीक है? तो ये करने का सबसे सही तरीका ये, अब रीज़न हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग एक रूल लूप भी रन कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा, हम लूप रन करेंगे, हमें डिलेज चाहिए, हमें डिले चाहिए लेट्स से 1 सेकंड का या 2 सेकंड का, कि हर बॉक्स को जब हम डीसेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक एक करके हो, ऐसा ना हो एक साथ सारे हो जाए, तुरंत हो जाए, ताकि हम देख ही ना पाएं कि किस ऑर्डर में वो लोग डीसेलेक्ट हुए। तो हमें क्या करना है, हमें एक डिले के साथ करना है इस तरीके। ये बेसिकली दिस इज़ द मेन क्वेश्चन दैट वी वॉन्ट टू सी। जनरली ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, हाउ टू रन अ लूप विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लूप फंक्शन, बट इस क्वेश्चन में ये चीज़ बेसिकली यूज़ होने वाली है। इसके लिए हम लोग सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे। तो हमारा मेन जो लॉजिक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास एक इंटरवल है, इंटरवल है, हमने यहाँ पे सेट इंटरवल का फंक्शन का यूज़ किया, हमने यहाँ पे इंटरवल डाल दिया लेट्स से 1 सेकंड का, 1 सेकंड का इंटरवल है, हम लाइक राइट लूप लॉजिक बेसिकली राइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वी वॉन्ट टू रन एट गिवन इंटरवल, राइट? इधर हम लोग वो सारा लॉजिक लिखेंगे और वो लॉजिक जब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे, इफ कंडीशन टू स्टॉप द लूप। बेसिकली यहाँ पर कंडीशन जो है हमारी इस लूप को स्टॉप करने की मीट हो जाती है, वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल क्लियर द इंटरवल, राइट? तो ये हमारा मेन लॉजिक होने वाला है इस पूरे प्रोग्राम का। इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम एक लूप को कैसे रन करेंगे, हम उसमें सेट इंटरवल का यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम 1 सेकंड का डिले देंगे, और जैसे ही हमारा लॉजिक कंप्लीट होता है कि हाँ ठीक है अब इस इंटरवल को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जाके उस क्लियर इंटरवल को कॉल करेंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर हमें इंटरवल पास करना पड़ेगा। तो यही है मेन जो आइडिया है जो हमें इसमें सॉल्व करना है, बट इसका थोड़ा यूआई बनाते हैं और समझते हैं कि यूआई पे हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एज आई सेड मुझे ये एन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एन बना लेता हूँ, तो आई विल से कॉन्स्ट काउंट। तो काउंट को मैं अभी टू स्टार्ट विथ लेट्स से लेट्स स्टार्ट विथ 5, हम इसको डायनेमिकली चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। तो हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। तो कंटेनर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम लेट्स से बॉक्स बॉक्स कंटेनर, राइट? तो इसके अंदर हमारा बॉक्स कंटेनर है ये, इसके अंदर इंडिविजुअली बॉक्सेस आएंगे। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक बॉक्स कंपोनेंट भी बनाना है, तो लाइक बॉक्स कंपोनेंट बना लेते हैं बॉक्सेस के अंदर। सो आई डू इट लाइक दिस, सो बॉक्स डॉट जे एस, ये भी कंपोनेंट है, तो वापस एक कंपोनेंट बना लेते हैं रिएक्ट का। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा, बेसिकली एक डिव है जो कि मुझे यहाँ से रिटर्न करना है, जिसकी एक क्लास है, दैट क्लास इज बॉक्स फॉर नाउ लेट्स से, और मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रेंडर करने का ट्राई करता हूँ। सो बॉक्स बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, तो इसको ठीक से इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओके इम्पोर्ट, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट तो किया है ना, ओके सॉरी, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरीके से होगा, और यहाँ पे अगर मैं इम्पोर्ट करूँगा तो आई शुड बी एबल टू इम्पोर्ट इट नाउ। हाँ, तो ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे इनफैक्ट मेरे को ये बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ स्टाइल्स लिख रखी हैं ऑलरेडी जस्ट टू शो यू, बट लेट मी डू इट ऑल ओवर अगेन। तो यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये इस तरीके से हमारा इतना वर्क हो गया है। अब वो यूआई कैसे ड्रॉ करना है विच इज़ मोस्टली सीएसएस रिलेटेड, तो आई थॉट आई विल शो यू इन एडवांस, बट ठीक है मैं दोबारा से लिख के उस समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसमें अभी के लिए हमें कोई स्टाइल नहीं चाहिए, लेट्स फोकस ऑन द बॉक्स। तो बॉक्स के लिए मुझे बहुत ही सिंपल चीज़ें चाहिए, मुझे एक विड्थ चाहिए जो कि 100 पिक्सल है, और हाइट चाहिए जो कि 100 पिक्सल है, राइट? तो ये करने से यहाँ पर
मैं एक बैकग्राउंड कलर और देता हूँ क्योंकि कोई कंटेंट तो है नहीं उसके अंदर, तो लेट्स से बैकग्राउंड कलर इज़ ब्लू, दिस ब्लू लुक्स अगली, तो मैं यहाँ पर इसको सॉर्ट ऑफ ये ब्लू देने का ट्राई करता हूँ, तो विच इज़ फाइन, राइट, नॉट दैट गुड बट हमारे लिए ठीक है। अब ये हमारा एक डिज़ाइन हो गया बॉक्स का, तो लेट्स से अगर मैं दो तीन बॉक्सेस बना लेता हूँ यहाँ पर, बॉक्सेस के अंदर लेट्स से 5 बॉक्सेस मैंने बना लिए, राइट। अब ये क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, राइट, एक ही कॉलम में आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बॉक्स कंटेनर में कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, ये फ्लेक्स हो जाएगा, और मुझे एक गैप चाहिए इन सब के बीच में, तो मैं गैप दे देता हूँ लेट्स से 10 पिक्सल का, तो एक गैप दिख रहा है। ऑब्वियसली इफ आई एल ऐड मोर बॉक्सेस टू इट, तो इट विल कंटेन लाइक इट विल हैव सेम काइंड ऑफ गैप, राइट, इफ आई ऐड मोर बॉक्स। नाउ द प्रॉब्लम इज क्योंकि ये एक ही रो में एडजस्ट होने का ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आके आई कैन जस्ट से फ्लेक्स रैप एंड रैप बेसिकली, सो आई वॉन्ट कि दे शुड हैव 100 पिक्सल विड्थ एंड हाइट, तो मैंने रैप कर दिया, तो ये अब नेक्स्ट रो में भी आ रहे हैं, इनकी हाइट और विड्थ बेसिकली इधर से सेट हो रही है। तो अब ये इतना ठीक है, आई थिंक मेरे को और सी एस एस पे फोकस नहीं करना है, बट हमें तो इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लॉजिक लिख सकते हैं लूप के अंदर, जिससे हम नंबर ऑफ बॉक्सेस को प्रिंट करेंगे बेस्ड ऑन द काउंट जो हमें दिया हुआ है। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका, मतलब जो मैं प्रेफर करता हूँ जनरली, वो ये है कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, और उस फंक्शन से मैं एक एरे ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता हूँ, विच इज़ वॉट मैप ऑल्सो डज। जब भी आप एरे पर मैप यूज़ करते हो, तो मैप भी वही करता है, इट रिटर्न्स एरे। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से गेट बॉक्स यू आई इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, और ये कुछ भी नहीं है, इट्स इट्स जस्ट हाउ, जैसे भी आपकी प्रेफरेंस हो लिखने का, अगर आपको यहाँ पर लिखने का पसंद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मुझे बस ये थोड़ा कंपेरेटिवली क्लीन लगता है। अब यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ बॉक्सेस लेट्स से, जिसको मैं एम्प्टी रखता हूँ, और इन दी एंड मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा बॉक्सेस को, तो ये रिटर्न हो जाएगा, और अब मैं यहाँ से ये बॉक्सेस हटा सकता हूँ, मतलब वो जो बॉक्स है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर लूप को रन करना है, तो वो देख लेते हैं। तो लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स शुड बी लेस देन व्हाट काउंट, तो काउंट एंड देन इंडेक्स प्लस प्लस। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस बॉक्स बॉक्स को ऐड करना है उस एरे में, तो आई कैन से बॉक्सेस डॉट पुश, और मैं यहाँ पे उस एरे में ऐड कर देता हूँ विच इज बॉक्स, राइट, या आई शुड बी एबल टू सी 5 बॉक्सेस। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो आई शुड बी एबल टू सी 10 बॉक्सेस, प्रिटी सिंपल। अब मुझे क्या करना है, अब लेट्स गो टू दी अदर रिक्वायरमेंट्स, बॉक्स यू आई ऑफ द बॉक्स, तो यू आई तो हम शो कर पा रहे हैं जिसमें हमने 100 पिक्सल विड्थ एंड हाइट दे दी है, और एक कलर सेट कर दिया है। हैंडल क्लिक, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्लिक हैंडल करना है, चेंज द यू आई बेस्ड ऑन प्रॉप्स, है ना, चेंज द यू आई बेस्ड ऑन प्रॉप, तो जो हम प्रॉप पास करें उसके बेसिस पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एक पेरेंट पे स्टेट मेंटेन करनी है, और उसके चाइल्ड उस स्टेट को यूज़ कर रहे हैं। अब होना क्या है यहाँ पर, कि मैं दो तरीके की स्टेट्स बनाऊंगा इसमें, हम इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, वी नीड टू स्टोर, हमें ये चीज़ स्टोर करनी पड़ेगी कि हम किस ऑर्डर में क्लिक करने हैं, क्लिक कर रहे हैं बॉक्सेस पे, तो ऑर्डर एक है जो हमें स्टोर करना पड़ेगा, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन या फिर किसी और तरीके की स्टेट जो हमें ये बताए कि इस बॉक्स पे क्लिक हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, दो चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। तो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िग या मेटा डेटा, या फिर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, तो कॉन्फ़िग के अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए कि क्या ये बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है, तो एक तो मुझे सेलेक्टेड वैल्यू चाहिए, मुझे एक सेलेक्टेड वैल्यू चाहिए, और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँ तो आई शुड बी एबल टू सी द ऑर्डर ऑफ द बॉक्स ऑन द बॉक्स इट्सेल्फ, कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे पता चले कि मैंने इस बॉक्स को फर्स्ट नंबर पे क्लिक किया था या सेकंड नंबर पे क्लिक किया था, या फिर ये अभी तक क्लिक ही नहीं हुआ है, मुझे दिखना चाहिए वो चीज़ यूआई में। तो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे जो स्टोर करना चाहता हूँ वो है ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो हमारा ऑर्डर वाला स्टेट है, हमारा ऑर्डर वाला स्टेट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक एरे से आ रहा है, राइट, हम लोग यहाँ पे एक एरे से इसको शो कर रहे हैं। तो ऑर्डर के अंदर मैं इंडेक्सेस को स्टोर करने वाला हूँ, कि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया
लेट्स से थर्ड नंबर पे, विच इज़ द सेकेंड इंडेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू स्टोर होगा। फिर जब मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा, मैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा, तो ये है फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ द जीरोथ इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे जीरो स्टोर करूँगा। इसी तरीके से मैं एक एरे मेंटेन करूँगा ऑर्डर का, जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज स्टोर होती जा रही हैं। कॉन्फिग मेरा क्या करेगा, कॉन्फिग मैं एक एज अ स्टोर एज एन ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं सेलेक्टेड रखूँगा। सेलेक्टेड के अंदर जो वैल्यूज स्टोर होंगी दैट विल बी बुलियन, और उससे हमें साफ समझ आ रहा है कि सेलेक्टेड ट्रू हो गया फॉल्स, या तो हमने उस बॉक्स पे क्लिक किया है या फिर हमने उसको क्लिक नहीं किया है, सेलेक्ट किया है या फिर हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये चीज़ हमें सेलेक्टेड से पता चलेगी। दूसरी चीज़ है ऑर्डर, ऑर्डर से हमें ये पता चलेगा कि हमने किस ऑर्डर में उस बॉक्स पे क्लिक किया है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम पे क्लिक किया था, या फिर मैंने इस पहले मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, तो 1, 2, 3, राइट। इस तरीके से मेरे को नंबरिंग करनी है हर बॉक्सेस की, जिस तरीके से मैं उनको ऑर्डर कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये भी एक नंबर वैल्यू होगी। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा कॉन्फ़िगरेशन दिखने वाला है हर एक बॉक्स के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन का जो एरे होगा, जो स्टेट होगी, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर मेरे पास लेट मी डू दिस, यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट आएगा, जिसके अंदर वही सेम वैल्यू होंगी, सेलेक्टेड एंड ऑर्डर। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड ट्रू ट्रू, और ऑर्डर लेट्स से 1। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर जब मैं इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर जो भी इस बॉक्स की करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो इस वाले बॉक्स के लिए क्या होगा, इस वाले बॉक्स के लिए जो सेकंड नंबर पे है, सेलेक्टेड फॉल्स रहेगा, और ऑर्डर जो है, ऑर्डर अभी तक नल रहेगा, क्योंकि ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मैंने अभी तक सेकंड बॉक्स पे क्लिक नहीं किया है, मैंने लास्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करा है। तो क्योंकि मैंने लास्ट वाले बॉक्स पे क्लिक किया है, तो इसी तरीके से मेरी ये स्टेट्स चलती रहेगी, और जो मेरा लास्ट ऑब्जेक्ट होगा इस एरे में, उसकी सेलेक्टेड ट्रू, और जो मेरा ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाएगा 2, कि मैंने सेकंड नंबर पे इधर क्लिक किया है। तो इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर स्टेट मैनेज करने वाले हैं। ऑर्डर इज़ प्रिटी सिंपल, उसमें हम सिर्फ इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे कि किस इंडेक्स पे हमने कैसे किया था, राइट। तो मैं इसको भी थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, और अब चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। व्हाट इज़ दिस, कैंसिल, आई डोंट वांट टू सेव दिस। हाँ, अब यहाँ पर आके हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। अब बॉक्सेस जो हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि सेलेक्टेड ट्रू है कि नहीं, जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें एक डिफरेंट यूआई चाहिए, हम चाहते हैं कि एक डिफरेंट यूआई हमें शोकेस हो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर यूआई। तो यहाँ पर आने के बाद, बॉक्स में आने के बाद, आई जस्ट से कि जब भी मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, तो एक सेलेक्टेड क्लास को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब सेलेक्टेड क्लास इसका थोड़ा सा यूआई चेंज करेगी, तो मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, डॉट सेलेक्टेड सेलेक्टेड। यहाँ पर मैं बस इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्राउन कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। ऑब्वियसली अब ये सारे वैसे दिख रहे हैं, बट एक एक करके हम इनको करेंगे। तो सेलेक्टेड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और मेरे को ये क्लास डायनेमिकली इंजेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आई कैन अज्यूम कि मुझे दो चीज़ें मिलने वाली हैं। एक चीज़ तो मिलेगी मेरे को ऑर्डर, बट ऑर्डर इज़ बेसिकली वॉट, इंडेक्स ही तो है कि मुझे इंडेक्स मिल रही है। तो मैं उस इंडेक्स को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किस, वॉट इज़ द इंडेक्स, इस बॉक्स की कौन सी इंडेक्स है, ये किस इंडेक्स पे है। और दूसरी चीज़ जो कन्फिग मैंने सोचा था, तो कन्फिग को मैं वापस यहाँ पे दोबारा से कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्टेड और ऑर्डर, ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ से मिलेंगी, कॉन्फिग से मेरे को मिल जाएगी। अब कॉन्फिग एम्प्टी भी हो सकता है, तो मैं इसको इस तरीके से कुछ लिख लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि ये ब्रेक ना हो, वरना ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो सेलेक्टेड पे मैं कंडीशन चाहता हूँ, वो कंडीशन ये है कि अगर सेलेक्टेड इज़ ट्रू, अगर सेलेक्टेड ट्रू है, तो ही मैं ये सेलेक्टेड क्लास को बेसिकली इंजेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर सेलेक्टेड ट्रू है तो। तो अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, क्योंकि सेलेक्टेड किसी के लिए भी ट्रू नहीं है, तो इसलिए ये सब वापस से ब्लू कलर के शो हो रहे हैं। और ऑर्डर इज समथिंग जो कि मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, लेट्स से
ऑर्डर। ऑर्डर कुछ इस तरीके से, ऑब्वियसली ये एक वैल्यू आएगी ऐसे। अभी इस वैल्यू में कुछ भी नहीं है, ये नल है, बेसिकली अनडिफाइंड है अभी ये इस पॉइंट पर, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं देख रहे हैं। बट लेट्स सी, फर्स्ट लेट्स टेक केयर ऑफ द सेलेक्टेड पार्ट। तो सेलेक्टेड पार्ट के लिए मैंने जैसा बोला था, मैं दो स्टेट बनाने वाला हूँ, एक ऑर्डर एक कॉन्फिग। तो वो स्टेट्स बनाते हैं पहले। सो वन इज ऑर्डर, सेट ऑर्डर, ऑर्डर एंड देन ओके यूज स्टेट। अभी यूज स्टेट कैसे होने वाली है? बेसिकली इट विल बी एन एरे जो कि हम एम्प्टी स्टार्ट करेंगे। दूसरी स्टेट जो मैंने सोची थी वो है सेलेक्टेड, और बेसिकली कॉन्फिग और मेटा डेटा और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो मैं इसका कुछ अच्छा सा नाम सोच सकता हूँ, कॉन्फिग, या कॉन्फिग इज गुड इनफ। तो मैं यहाँ पे कॉन्फिग लिख लेता हूँ, कॉन्फिग और सेट कॉन्फिग कुछ इस तरीके से, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। अब मुझे यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज करनी है, मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स चाहिए सबके लिए, मेरे को सबके लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो मेरे को ये एक नया एरे बनाना है, वो नया एरे जिस जो उसकी लेंथ होगी इस एरे की, वो विल बी दैट विल बी काउंट जो मेरा वेरिएबल है उधर, प्लस आई वॉन्ट टू इनिशियलाइज दिस एरे विद अ वैल्यू। तो मैं इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, आई कैन फिल दिस एरे विद दिस ऑब्जेक्ट जिसमें मैं सेलेक्टेड को फॉल्स रखता हूँ टू स्टार्ट विद। हर बॉक्स की सेम सेटिंग है इनिशियली, और ऑर्डर को मैं नल रखता हूँ, राइट। अभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इतना करने से आई थिंक ये चलना चाहिए। रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ। तो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो मैं इतना कर लेता हूँ इस चीज़ को, राइट। अब आई थिंक दिस इज गुड इनफ। अब दूसरी चीज़ है कि हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे तो यूआई हैंडल हो रहा है बेस्ड ऑन द स्टेट, ये यूआई चेंज हो जाएगा, ये बॉक्स ब्राउन दिखने लगेंगे। हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक समथिंग जो कि हमें अब मेन जो चीज़ है वो करनी है। तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो बेसिकली वो इफेक्ट होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, हैंडल क्लिक, एक ये इवेंट ट्रिगर करना है। और ये इवेंट मुझे कहाँ से मिलेगा, पेरेंट से मेरे पास आएगा, क्योंकि मुझे जो फाइनल स्टेट चेंज करनी है वो मुझे पेरेंट में करनी है, मुझे चाइल्ड के अंदर, मुझे इस बॉक्स के अंदर कोई स्टेट चेंज नहीं करनी है, तो मेरे को पेरेंट में करनी है। तो मैं इस स्टेट को पेरेंट पे पास कर दूंगा। तो हैंडल क्लिक मैंने यहाँ से एक्सेप्ट किया। अब क्योंकि मुझे किस बॉक्स पर मैंने क्लिक किया है वो भी मुझे ट्रैक करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं यहाँ से इंडेक्स को भी भेजूँ। तो इंडेक्स भेजने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स यहाँ से जा रहा है और हैंडल क्लिक है, हैंडल क्लिक मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल एरर आउट। तो यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल बॉक्स क्लिक कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ आ रही है और जो कि मुझे हैंडल करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अब जो मैं एक और चीज़ यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है कि इसको पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, हैंडल बॉक्स क्लिक, ठीक है। तो हैंडल बॉक्स क्लिक मेरा इतना आ चुका है, यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे पास एक इंडेक्स आ रही है, उस इंडेक्स के बेसिस पे मैं उस स्टेट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी, मुझे बस क्या करना है, मुझे एक कॉपी क्रिएट करनी है सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी स्टेट्स को चेंज नहीं करना चाहिए। मैं एक कॉपी बना लेता हूँ जो कि है तो यहाँ पर मैं एक कॉपी बना लेता हूँ अपने कॉन्फिग की सबसे पहले। तो कॉन्फिग की एक कॉपी बना ली है मैंने, और इस कॉपी को बेसिकली मेरे को चेंज करना है। तो कॉपी ऑफ एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, क्योंकि मेरे को इंडेक्स के बेसिस पे ही चेंज करने हैं। और मैं कौन सी वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड को मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, तो ट्रू होने से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंज हो गया।
यहाँ पे मुझे ट्रू के साथ साथ मुझे ऑर्डर भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर के लिए भी सेम करता हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्डर में मैंने ये चेंज किया है, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ऑर्डर क्या चल रहा था उसका मेरे पे नॉलेज नहीं है कि वेदर इज द थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे करने के लिए इफ़ लेट्स से मेरा ये पहला एलिमेंट है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑर्डर इसका फर्स्ट होना चाहिए। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा पहला एलिमेंट है जिस पे मैंने क्लिक किया है? हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ये ऑर्डर की स्टेट अवेलेबल है, इस ऑर्डर की मैं लेंथ देख सकता हूँ। तो लेट्स से अगर इस ऑर्डर की लेंथ 0 है तो दैट मीन्स कि ये पहला एलिमेंट है जो मैंने क्लिक किया है, राइट? तो मैं यहाँ पर ऑर्डर की लेंथ +1 कर सकता हूँ ताकि मेरे पास इसका ऑर्डर आ रहा है कि मैंने किस सीक्वेंस पे मैं बॉक्सेस को क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर की लेंथ 0 है इसका मतलब कि ये पहला बॉक्स है जो मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर को इस तरीके से स्टोर कर लूँगा, और जो ऑर्डर वाला एरे है अब उसमें भी मेरे को ये इंसर्ट करनी है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और कॉपी बना लूँगा ऑर्डर की, तो ऑर्डर कॉपी, और मैं इस तरीके से अब इस तरीके में ऑर्डर को स्प्रेड कर दूंगा, क्योंकि सी जब मैं ऑर्डर को बना रहा हूँ, राइट, मैं उसकी कॉपी बना रहा हूँ, अब यहाँ पे दो चीज़ें वापस से आती हैं। देखो, जब हमारे पास ये ऑर्डर अवेलेबल होगा, ये ऑर्डर लेट्स से मैं इसको वापस से 5 कर देता हूँ, जस्ट टू अभी इजी है थोड़ा समझने में। लेट्स से मैंने रिवर्स वे में इनको क्लिक किया, तो मैंने सबसे पहले इधर क्लिक किया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, राइट? तो मेरे पास जो इंडेक्सेस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, 4, 3, 2, 1, 1, 0, इस तरीके से मेरी इंडेक्सेस आ जाएंगी। अब मुझे जब भी अनसेलेक्ट करना है, लाइक डीसेलेक्ट जब मेरे को करना है, तो जब मैं डीसेलेक्ट करूँगा तो मैं ऑब्वियसली एक लूप में हूँ इस सेट इंटरवल के अंदर। यहाँ पर मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिक करूँगा। अब फर्स्ट एलिमेंट को पिक करने के लिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ रहा है, दिस इज क्यू, राइट? क्योंकि क्यू में जो सबसे पहले गया था, जो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया था, उसी को हमें डीसेलेक्ट करना है, तो ये क्यू की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब मैं यहाँ पर क्यू का ऑपरेशन करूँगा तो दैट ऑपरेशन इज वैल्यू इज इक्वल्स टू ये जो हमारे पास जो एरे, जो भी एरे है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ, तो क्यू है मेरे पास ये, राइट? मेरे पास ये क्यू एरे अवेलेबल है। इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्यू डॉट शिफ्ट। अब जब मैं क्यू डॉट शिफ्ट करूँगा तो मेरे पे सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा। तो वैल्यू के अंदर क्या होगा, क्यू वैल्यू के अंदर होगा बेसिकली 4, और जो मेरा एरे है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब जो क्यू है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3, 2, 1, 0। ये मेरा एरे एक लेंथ से कम भी हो जाएगा और मेरे को पहला एलिमेंट मिल जाएगा। द प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि जब भी जावास्क्रिप्ट में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसका जो परफॉर्मेंस होता है, मतलब इसका जो कॉस्ट है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, बट जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, दैट इज़ ओ ऑफ एन, बेसिकली बिग ऑफ एन होती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे एलिमेंट्स की, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है, हम उन सब की इंडेक्स को चेंज करने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है वो है ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इस क्यू को स्टैक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब स्टैक की तरह ट्रीट करना तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, क्योंकि स्टैक का मतलब ये है कि जो सबसे बाद में जाता है स्टैक में वो सबसे पहले निकलता है, राइट? इट्स अ स्टैक ऑफ थिंग्स, राइट? तो जो सबसे टॉप पर है उसी को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे और सबसे पहले निकालेंगे। बट हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस एरे में स्मार्टली चीज़ों को पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं कभी भी क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पे मैं इंडेक्स को स्टोर करूँगा, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो स्टोर होगी जो इंडेक्स वो होगी 4। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग जो नई वैल्यू जो मेरे को स्टोर करनी है, वो पुश करने की जगह, मतलब इस तरीके से पुश करने की जगह, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको पहले पुश कर दूँगा,
और वॉट एवर वैल्यू जो भी पहले से है एरे में वो रहेगा, तो मैं 3 को बाद में डालूंगा और 4 को आगे रखूंगा। इसी तरीके से मैं जब मॉडिफाई करूंगा अपना एरे, तो मेरा जो फाइनल एरे होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्योंकि ये उल्टा एरे है, बेसिकली ये रिवर्स है, ये एरे रिवर्स है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट को ना यूज़ करके मैं यहाँ पे पॉप को यूज़ करूँगा, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉप की होती है दैट इज़ ओ ऑफ एन, राइट, बिग ऑफ, सॉरी, बिग ऑफ वन, वन होती है उसकी। तो ये हमारा और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है। तो मैं अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उससे कहीं ज़्यादा सिंपल है। ऑर्डर को इस तरीके से एक्सपेंड किया है मैंने, ऑर्डर क्योंकि एम्प्टी है अभी, तो यहाँ पर भी एम्प्टी एरे आ गया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉमा इंडेक्स, इस तरीके से मैं इंडेक्स को बस पहले लिख दूंगा कि जो भी इंडेक्स आ रही है वो पहले आए और बाकी का एरे बाद में आए। तो हमारी एक कॉपी बन गई इसकी, और यहाँ पे मैं अब सेट कर दूंगा वैल्यूज़ को। तो हमें सबसे पहले सेट करना है सेट कॉन्फिग। कॉन्फिग को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉपी है उस कॉन्फिग की, और ऑर्डर को सेट करने के लिए सेट ऑर्डर ऑर्डर, और हम यहाँ पे ऑर्डर को भी सेट कर देंगे विच इज़ व्हाट, ऑर्डर कॉपी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सेट हो गया। अब आई थिंक सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक वर्किंग कोड है, हम इसको टेस्ट करने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स से इफ़ आई क्लिक हेयर, तो ये एरर आउट हो गया, विच इज़ लेट्स सी कि क्या हो रहा है इधर। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड सेलेक्टेड, तो ये बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कॉन्फिग यहाँ पे मेरा ठीक है। इंडेक्स वी आर नॉट श्योर वेदर इंडेक्स इज कमिंग, तो वो हम थोड़ा ट्राई करते हैं। हैंडल बॉक्स क्लिक, हैंडल क्लिक, इंडेक्स हमारे पास आ रही है कि नहीं। हाँ, हम इंडेक्स को पास ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें इंडेक्स भी पास करनी पड़ेगी। इंडेक्स पास करना इज़ वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी इंडेक्स हमारे पास है, तो हम इसको इस तरीके से पास कर देते हैं। लेट्स हियर एंड लेट्स सी। तो नाउ इफ आई क्लिक हेयर, तो ये एरर आउट नहीं हो रहा है, बट आई डोंट सी एनी चेंज। मैं यहाँ पे एक कंसोल करके देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कुछ इनकम्प्लीट कोड है क्या, ऑर्डर कॉपी, आई थिंक ये पुराना एरर होगा। तो इफ आई क्लिक हेयर आई डोंट सी एनी एरर, आई थिंक वो वर्क कर रहा है बट इफेक्ट में नहीं आ रहा है। तो बॉक्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। तो सेलेक्टेड ट्रू एंड आई थिंक दिस शुड वर्क, बट और मैंने इसका नाम सेलेक्टेड ही रखा है ना, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। सेलेक्टेड, सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर मैं इस चीज़ को प्रिंट करने का ट्राई कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टेड कॉमा ऑर्डर। एम आई रियली सेंडिंग द कॉन्फिग ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक मैं कॉन्फिग भी सेंड नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ भी सेंड नहीं किया है, तो जल्दी से ये कर लेते हैं। कॉन्फिग सेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली कॉन्फिग को एक्सेस करना पड़ेगा इसको, और बेसिकली हमें किस इंडेक्स का कॉन्फिग चाहिए हमें वो क्वेरी करना है, तो इंडेक्स के बेसिस पे हम वो चीज़ क्वेरी कर पाएंगे। आई थिंक अब इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। कंसोल की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, बट आई डोंट थिंक कि अब हमें इसकी ज़रूरत है, बिकॉज हमने समझ लिया है कि इशू क्या होता। तो इफ़ आई क्लिक हेयर तो आई कैन सी द चेंज 2, 3, तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है। अब द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट इज दिस लॉजिक, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इंटरवल ने बस मेरे को एक रन करना है। अब मेन क्वेश्चन ये है, मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे के सारे बॉक्सेस को क्लिक किया जा चुका है, ठीक है, यही मेरा एक मेन क्वेश्चन है। अब जब भी हमारे ऑर्डर वाले एरे की लेंथ मैच हो जाएगी हमारे काउंट वेरिएबल से, उस पॉइंट पे हम समझ जाएंगे कि हमारे सारे के सारे बॉक्सेस सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर रहे थे, सो यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखने वाले हैं जो कि हमारा इंटरवल को ट्रिगर करेगा बेसिकली। आई थिंक दिस इज द लॉजिक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस वन, राइट। अब इसके अंदर वापस जाके वो लिखते हैं। तो बेसिकली ओके, दिस विल नॉट बी 1000, दिस इज़ एन एम्प्टी एरे जिसके अंदर हम जब भी ऑर्डर चेंज होगा तो हम इसको चेक करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इफ़ ऑर्डर डॉट लेंथ इज इक्वल टू काउंट, अगर वो काउंट के इक्वल हो चुका है तो हमें उस इंटरवल को रन करना है।
अब इंटरवल समझते हैं कि इंटरवल कैसा दिखेगा। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट इंटरवल इक्वल्स टू, एंड इट कैन बी कॉन्स्ट एक्चुअली, इंटरवल इक्वल्स टू, लेट मी सी वाई देर इज़ अ कलर इशू, इट्स फाइन। सो लेट्स डू सेट इंटरवल, और इसके अंदर हम अपना ये कंडीशन लिखेंगे विच इज दिस, जिसमें 1000 डिले के साथ मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है। अब मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है बेसिकली, सबसे पहले तो मुझे वो इंडेक्स लेनी है, मुझे लास्ट इंडेक्स को पिक करना है, क्योंकि मैं जिस तरीके से इंडेक्सेस को स्टोर कर रहा हूँ वो मैं रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे जो सबसे पहले डीसेलेक्ट करना है वो लास्ट इंडेक्स को करना है। तो वो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर डॉट पॉप, और ये करने से मेरे पास वो इंडेक्स आ जाएगी, बेसिकली जो लास्ट इंडेक्स होगी वो मेरे पास आ जाएगी, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और ऑर्डर का जो एरे है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इतना करने के बाद मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, कन्फिग। तो कन्फिग में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जो भी मेरी इंडेक्स है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, आई विल मेक अ चेंज इन द सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड में जाके आई विल से फॉल्स, क्योंकि बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू डी सेलेक्ट। अगेन फॉर कॉन्फिग ऑन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स आई वॉन्ट टू मेक वन मोर चेंज विच इज ऑर्डर, राइट। तो मैं ऑर्डर को भी चेंज कर देता हूँ, इसकी भी वैल्यू मैं नल कर देता हूँ। तो इतना करने से आई थिंक इट शुड बी गुड इनफ। अब मुझे बस उन स्टेट्स को अपडेट करना है, तो सेट कॉन्फिग, सेट कॉन्फिग, और मैं यहाँ पे जाके उस स्टेट को अपडेट कर देता हूँ। और स्टेट को अपडेट करने के लिए आई कैन राइट कॉन्फिग लाइक दिस, बट बिकॉज मैंने इन प्लेस बेसिकली मैंने इसको म्यूटेट कर दिया है, राइट, मैंने सेव उसमें ही मैंने चेंजेस कर दिए, तो वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू पास अ फ्रेश न्यू स्टेट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको स्प्रेड करके इस तरीके से एक नया एरे बना के रिटर्न कर सकता हूँ, और लेट ऑर्डर, ओके इट्स नॉट जनरेटिंग कोड ऑन इट्स ओन, और सेम चीज़ मैं ऑर्डर के साथ भी कर सकता हूँ। तो इतना करने से मेरी स्टेट भी करेक्टली अपडेट हो जाएंगी, तो मेरा वो भी इशू किया। नाउ द ओनली थिंग विच इज़ रिमेनिंग, दैट वेन डू आई हैव टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ये इंटरवल मैं कब रोकूँ। तो इंटरवल रोकने के लिए बहुत ही सिंपल है, आई कैन जस्ट से ऑर्डर डॉट लेंथ, अगर ऑर्डर डॉट लेंथ 0 के इक्वल हो जाती है तो आई कैन जस्ट डू क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल लाइक दिस, और मैं यहाँ पे इस इंटरवल वेरिएबल को पास कर सकता हूँ जिसमें मैं अपनी वैल्यू स्टोर करके रखी है मैंने। अब इतना करने के बाद ये वर्क करना चाहिए। अब क्योंकि मैं लेंथ को 0 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, अगर लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब अगर लेंथ 0 है तो उस केस में क्लियर इंटरवल वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दो। इतना करने के बाद लेट्स सी वेदर ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो 1 2 ये उसी ऑर्डर में डीसेलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली यही हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अब हम इस काउंट की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं और ये वर्क करेगा, ऑब्वियसली इट विल वर्क, राइट, क्योंकि मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ लेट मी सी बेसिकली 1 2 3 4 5 ये कोड सेंड बॉक्स का कुछ इशू रहा होगा। तो अब यहाँ से उसी ऑर्डर पे चीज़ें डीसेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है, वर्क कर रहा है, बट लेट्स से अगर मैं दोबारा से आके यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पे जब दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रही है, राइट। तो मुझे यूज़र को अलाउ नहीं करना है कि यूज़र जब डीसेलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोसेस के टाइम पर यूज़र शुड नॉट बी एबल टू सेलेक्ट अगेन। तो वो चीज़ रोकने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर आके बस ये लिखना है कि जब भी मेरा इंटरवल है, जब भी इंटरवल के अंदर वैल्यू है तो उस केस में रिटर्न हो जाओ। तो बेसिकली ये लाइन मुझे ये बता रही है कि अगर मेरा इंटरवल रन कर रहा है, अगर इंटरवल रन कर रहा है तो उस टाइम पर उस सिलेक्शन प्रोसेस को स्टॉप कर दो। द प्रॉब्लम इज कि ये जो इंटरवल है इसका जो स्कोप है विच इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, क्योंकि ये इसी ब्लॉक के अंदर है। अब मैं इसको बाहर कैसे एक्सेस करूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक इंटरवल वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस तरीके से।
अब इंटरवल वेरिएबल मैं इस तरीके से नहीं बना सकता हूँ रिएक्ट में। अगर जावास्क्रिप्ट होती तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, बट रिएक्ट में क्योंकि हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, जब भी हम स्टेट को अपडेट करते हैं पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट री रेंडर होगा। तो री रेंडर होने के बाद जब भी लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगी तो हमें बार बार इंटरवल के अंदर अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। और कांस्टेंट वेरिएबल को तो हम वैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते इस तरीके से, मतलब से लेट, तो हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा और हम यहाँ पे इंटरवल को यूज़ कर पाएंगे। बट रिएक्ट में एक और तरीका है कि हम या तो हम स्टेट का यूज़ करें जब हम वैल्यू को परसिस्ट करना चाहते हैं, बट क्योंकि हम अगर स्टेट में इसको सेव करेंगे वो भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट जब भी स्टेट को अपडेट किया जाता है एक एडिशनल री रेंडर होता है। तो इस टाइप के सिनेरियो में जब हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई भी स्टेट हमें री रेंडर नहीं करना है अगर अपने कॉम्पोनेंट को, तो उस केस में हम यूज़ रेफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ रेफ हुक में क्या होता है कि ये हर री रेंडर पे बेसिकली जब भी हम यूज़ रेफ की वैल्यू को अपडेट करते हैं कोई भी री रेंडर नहीं होता है, कोई एडिशनल री रेंडर नहीं होता है और ये वैल्यू भी परसिस्ट रहती है। तो मैं इसको नल से अभी इनिशलाइज करता हूँ, और आपने अगर यूज़ किया होगा यूज़ रेफ हुक, तो यूज़ रेफ हुक किस तरीके से वर्क करता है, इंटरवल डॉट करेंट, मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो करेंट के अंदर मुझे वैल्यू देखने को मिलेगी अपने इंटरवल की, यहाँ पर भी मैं यही चीज़ लिख देता हूँ करेंट। तो ये चीज़ इतना ठीक है, अब शायद से ये वर्क, अब ये सही से चलना चाहिए। बट देखिए होता ये है, जब भी हम क्लियर इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं थ्रू अ वेरिएबल और एनीथिंग, क्लियर इंटरवल सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को क्लियर करेगा, बेसिकली उस इंटरवल को क्लियर करेगा कि ये जो आईडी है इस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी इंटरवल रन हो रहा है वो क्लियर हो जाए। बट स्टिल इंटरवल डॉट करेंट के अंदर वो आईडी हमेशा स्टोर रहेगी, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी ना रिमूव हो जाएगी, तो हमें वो चीज़ एक्सप्लिसिटली करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे इंटरवल डॉट करेंट को नल करना पड़ेगा ताकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सके जब भी इंटरवल क्लियर हो। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पर आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अब जब मेरा ये डीसेलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये भी है कि लेट्स से लेट मी रिफ्रेश दिस, अगर मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक कर दिया और मैं दोबारा अगर 1 पे क्लिक करूँ तो देख रहे हो अब कि ये क्लिक होता ही जा रहा है एक पर, और 15 पे क्लिक होने के बाद ये एक बार में चला गया, बट मेरा इंटरवल चल रहा होगा वो 15 टाइम्स रन करेगा और उसके बाद वो रुक जाएगा। तो एक ही सिंगल एलिमेंट पे ही अगर मुझे क्लिक करना प्रिवेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ बॉक्स के अंदर ही कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले वी कैन जस्ट चेक इफ दिस इज़ नॉट सेलेक्टेड, अगर ये सेलेक्टेड नहीं है तो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करूँ, मैं दोबारा क्लिक करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर मैं इधर क्लिक करूँगा इट विल वर्क, बट इफ आई क्लिक ऑन दिस अगेन तो दोबारा क्लिक करने पर नहीं वर्क करेगा। तो मोस्टली यही था जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, हम इसको और थोड़ा ब्यूटिफाई कर सकते हैं, हम इसको टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं, बट ऑल दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यही हम मेजरली डिस्कस करना चाहते थे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो, इफ़ देयर आर एनी कंसर्न और एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। टिल देन बाय बाय।